नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका हमारे एक और नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। दोस्तों आपने हमारे इस वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से आपको डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बना के बताएंगे। दोस्तों चाहे आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या फिर दोस्तों वोटर आईडी, या फिर दोस्तों कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स हो, आपको उसका डुप्लीकेट बना के बताएंगे जस्ट दोस्तों 5 मिनट में। दोस्तों 5 मिनट के अंदर आपका ये डुप्लीकेट कार्ड है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले तो एक इंकजेट प्रिंटर चाहिए है। दोस्तों आप उसमें एप्सन का L3110, L3150, 3210, 3250 या दोस्तों कोई भी आप प्रिंटर ले सकते हैं जिसमें दोस्तों आपका फोटोकॉपी भी हो जाता हो, कलर्ड फोटोकॉपी और ब्लैक एंड वाइट कोड फोटोकॉपी, और दोस्तों उसमें आपका स्कैनर भी होना चाहिए, और दोस्तों जिसमें आप प्लेन पेपर और दोस्तों ग्लॉसी पेपर दोनों साइज के, A4 साइज के और 4x साइज के सभी टाइप के दोस्तों पेपर उसमें लग जाते हों, तो इस तरह का आपको प्रिंटर चाहिए। और दोस्तों अब बाकी का प्रोसेस हम आपको प्रिंटर में बता दें, आपको क्या क्या करना है और कैसे करना है। दोस्तों पहले क्या होता था, जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट्स का डुप्लीकेट बनाते थे तो उसके लिए हमें पहले कंप्यूटर चाहिए होता था, उसके बाद दोस्तों हमें उसको स्कैन करना पड़ता था, फिर उसके बाद दोस्तों हमें प्रिंट निकालना पड़ता था। तो दोस्तों इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता था, लेकिन अब दोस्तों आपको शॉर्टकट में जल्दी से आपका ये डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनाने का प्रोसेस आ गया है। दोस्तों आपको करना क्या है, अपना जो प्रिंटर है उसमें एक A4 साइज का ग्लॉसी या प्लेन पेपर आपको लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको इस जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, आपको जिसका भी डुप्लीकेट बनाना है उसको दोस्तों प्रिंटर में रख देना है, और हमें इसकी कलर्ड कॉपी करनी है। चलिए अब हम आपको दोस्तों प्रिंटर में बताते हैं कैसे करना। हमारे पास ये एप्सन का L3110 प्रिंटर है। दोस्तों ये थोड़ा पुराना प्रिंटर है, इसमें दोस्तों कभी कभी पेज फंस जाता है, लेता नहीं है पेज। तो चलिए हम इसमें दोस्तों अपना जो ये पैन कार्ड है इसको दोस्तों हम डुप्लीकेट बनाएंगे। ये हमारा ओरिजिनल पैन कार्ड है, इसे हम डुप्लीकेट बनाएंगे। दोस्तों डुप्लीकेट बनाने के लिए आपको करना क्या है, ये जो हमारा पैन कार्ड है इसको कुछ इस तरह से ओपन कर लेना है। उसके पहले दोस्तों आपको यहाँ पे ग्लॉसी या प्लेन पेपर लगा लेना है A4 साइज का। तो हमने यहाँ पे A4 साइज का प्लेन पेपर ग्लॉसी पेपर लगा लिया है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे पैन कार्ड को कुछ इस तरह से यहाँ पे रख देना है। उसके बाद दोस्तों इसे बंद कर देना है। इसे बंद करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो बटन दिए होते हैं ये दोस्तों ब्लैक एंड वाइट कॉपी का होता है, ये कलर्ड कॉपी का होता है। तो आपको इस कलर्ड वाले कॉपी के बटन पे प्रेस कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे इसे प्रेस कर देते हैं। तो दोस्तों हमने इसे प्रेस कर दिया है, और यहाँ पे दोस्तों प्रिंटर ने पेपर को ले लिया। अब धीरे धीरे ये हमारा जो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स है वो निकल के आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमने थोड़ा सा हाइड कर लिया है इसे, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो पैन कार्ड है वो निकल के आ गया है। अभी दोस्तों हमने एक साइड से निकाला है इसे, अब दोस्तों इसको दूसरी साइड से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक साइड से इसे निकाला, अब ज्यों के त्यों हमें इसे फिर से ऐसे की ही ऐसे ला के यहाँ पे हमें इसे सेट कर देना है कुछ इस तरह से। तो हमने यहाँ पे इसे सेट कर दिया है। दोस्तों एक तरफ ग्लॉसी पेपर पे कॉपी करने के बाद हमें दोस्तों इसको जो डॉक्यूमेंट्स है इसको फिर से हमें पलट देना है, तो कुछ इस तरह से। अभी यहाँ पे रखा था, अब इसको दोस्तों यहीं इसके बगल में हमें इसे पलट के रख देना है, और यहाँ पे इसे बंद कर देना है। उसके बाद दोस्तों एक बार और हमें इस वाले बटन को दबा के फिर से ये डॉक्यूमेंट्स निकालना है। तो हमने यहाँ पे इसको बटन को दबा दिया। अब दोस्तों फिर से ये पेपर कलर्ड कॉपी करके फिर से बाहर आ जाएगा, तो हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो डुप्लीकेट बन जाएगा। दोस्तों पहले कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता था, स्कैन करना पड़ता था, फिर फोटोशॉप करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो निकल के आ गया है। अब दोस्तों आपको करना क्या है अभी बताते हैं आपको। यहाँ पे दोस्तों यहाँ से हमें इसको काट देना है।
तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो पैन कार्ड है वो डुप्लीकेट बन गया है जस्ट 2 मिनट में। अब इसके बाद दोस्तों हमें इन दोनों पार्ट को काट के और इसमें इस तरह से दोस्तों आपको दोनों पार्ट को काट लेना है और यहाँ पे इन दोनों को कुछ इस तरह से आपको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, जोड़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक लेमिनेशन पाउच ले लेना है। लेमिनेशन पाउच को दोस्तों इस तरह से ओपन करके इसमें हमें इसको रख लेना है और आपको जो लेमिनेशन मशीन होती है उसमें से आपको इसे निकाल देना है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो डुप्लीकेट बन जाएगा कुछ ही समय में, जस्ट 2-5 मिनट में। सो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ आ गया होगा। दोस्तों वीडियो समझ नहीं आया तो आप दोस्तों फिर से देख सकते हैं, बहुत ही सरल प्रोसेस है। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और दोस्तों चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।